वेलकम वेलकम, बैठ जाइए बैठ जाइए। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लाइव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। चलिए आज हम सीखेंगे जो आपका टॉपिक है इकोनॉमिक का, इंडियन इकोनॉमी। आज का जो टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो अच्छे से बैठ जाइए। चलिए अब हम आज सीखते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर दीजिए। आप भी कर दीजिए, आप लोग भी अपने अपने मोबाइल से कर दीजिए जल्दी जल्दी जरूर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, क्या है इंडियन इकोनॉमी, ये क्या है? पहले आपको इंडियन इकोनॉमी समझना होगा, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था आपको समझना होगा। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक कहते हैं, वही इकोनॉमिक कहलाता है। तो आप समझ गए, मतलब कहता है जब किसी देश, कोई भी देश हो गया, जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कहते हैं। अब इसके हम देखेंगे, क्या देखेंगे अब इसके हम आगे आपको बताता हूँ, क्या बताऊंगा इकोनॉमी के, क्या बताऊंगा, अब मैं बताऊंगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, क्या बताऊंगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अगर हम यहाँ पर लिखे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है, तो हम यहाँ पर ले देते हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र का कितने प्रकार है, अर्थव्यवस्था क्षेत्र कितने है? तीन तरह का तो अर्थव्यवस्था क्षेत्र होता ही है, तीन तरह का होता है। तो हम एक इधर बताएंगे, इधर बताएंगे, इधर बताएंगे, एक थोड़ा इसको उधर करते हैं, चलिए एक दो और तीन, ठीक है। तो पहला जो अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है, वो बहुत ही सिंपल है इसका, मतलब पहला जो क्षेत्र है वह आ जाता है, क्या जाता है, प्राथमिक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, चलिए क्षेत्र पहला रहता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, यानी क्षेत्र यानी होता है सेक्टर, क्या होता है, क्षेत्र यानी होता है सेक्टर, यही बताएंगे। तो ये हम भी लेते हैं प्राथमिक और द्वितीयक, दूसरा रहता है द्वितीयक, और तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है तृतीय क्षेत्र, ठीक है, तृतीय क्षेत्र। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं तीसरा जो आ जाता है, यही है तीसरा। अब मैंने तो ये बता दिया, अब इन सबको इंग्लिश में प्राथमिक को कहते हैं प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा जो आखिरी वाला आ जाता है उसे कहते हैं टर्शियरी, टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो ये तीन सेक्टर हैं हमारे, पहला प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, और तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर। तो इन्हीं सब में हम आपको बताएंगे, मतलब इन्हीं सब में और आते हैं इससे आगे परिवार का। तो ये जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें आता है कृषि, क्या आता है, कृषि एवं कृषि से, कृषि एवं कृषि से संबंधित संबंधित गतिविधियां, गतिविधियां, ठीक है। तो इसमें ये आता है, तो इसके तीन जो प्रकार हैं, तीन में, यानी तीन प्रकार में आते हैं। तो पहला
दूसरा और तीसरा, ठीक है ये तीन आते हैं किसी का, तीन आते हैं तो ये किसका आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर लिखेंगे तीनों का। पहला आ जाता है कृषि वानिकी, क्या आ जाता है, पहला आ जाता है कृषि वानिकी, ठीक है कृषि वानिकी। दूसरा आ जाता है हमारा इसमें दूसरा मत्स्ययन, मत्स्य। और ये जो कृषि है कृषि और इसमें कृषि और वानिकी, मतलब ये कॉमा यहाँ पर दे देते हैं, कृषि भी अलग मतलब इसी में आता है लेकिन कृषि अलग और वानिकी अलग, कृषि और वानिकी। और तीसरा मतलब दूसरा मतलब मत्स्य, और तीसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है खनन और उत्खनन, खनन खनन और उत्खनन, ठीक है। तो इसमें ये तीन है, ये तीन जो इसके पार्ट है मतलब ये आ जाते हैं। तो ये इतना जो हो गया ना, ये आपका किस में आता है, ये इतना सारा हो गया, ये आपका किस में आता है, ये आता है प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये इतना अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर। तो इसमें क्या होता है, ये जो सेक्टर है ये है औद्योगिक सेक्टर, क्या है औद्योगिक सेक्टर, औद्योगिक सेक्टर, औद्योगिक औद्योगिक सेक्टर, ठीक है यही आ जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर, यही क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, तो ये आ जाता है। अब इसके कितने आ जाते हैं, मतलब इसके कितने पार्ट आ जाते हैं वो मैं बताता हूँ। इसके भी तीन पार्ट है, पहला है निर्माण, ये पहला है, अब मैं लिख दूंगा कि यहाँ पर पहले इस तरह का कुछ है, पहला मैं बता देता हूँ, पहला है निर्माण, क्या है, पहला है निर्माण, दूसरा है विनिर्माण, और तीसरा है पहला निर्माण, दूसरा विनिर्माण, तीसरा विद्युत गैस एवं जलापूर्ति, विद्युत गैस एवं जलापूर्ति, विद्युत विद्युत और कॉमा देखिए गैस गैस और जलापूर्ति, जलापूर्ति, ठीक है। तो इसमें भी तीन आ जाते हैं, तो आप तीन के पार्ट तो इनको आप नोट कर लीजिए, ये इसके तीन पार्ट यहाँ से आ जाते हैं, तो आप इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तृतीय क्षेत्र टेरिटरी सेक्टर। तो ये क्या होता है, ये जो क्षेत्र है ये है सेवा क्षेत्र, सेवा सेक्टर, ये जो क्षेत्र है ये है हमारा सेवा सेक्टर, सेवा, ये सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र का कितने पार्ट है, कुल चार पार्ट है इसके, चार पार्ट है कुल इसके। तो यहाँ पर पहला लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा लिखेंगे, ठीक है। और सॉरी चार ही होते हैं तो चार हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला इसका पार्ट आ जाता है, पहला आ जाता है परिवहन एवं संचार, क्या आ जाता है, पहला आ जाता है परिवहन, परिवहन क्या जो आ जाता है वो आ जाता है परिवहन एवं संचार, एवं संचार पहला आ जाता है, ठीक है परिवहन एवं संचार। अब दूसरा आ जाता है बैंकिंग एवं बीमा, बैंकिंग एवं बीमा, एवं बीमा, बैंकिंग एवं बीमा। अब तीसरा जो आ जाता है इसका पार्ट, व्यापार एवं भंडारण, व्यापार, व्यापार एवं भंडारण, ये चार को मिटाते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर भंडारण, ठीक है। अब ये चौथा जो आ जाता है, आखिरी जो है वो कौन सा इसका पार्ट आ जाता है, सामुदायिक सेवा,
सामुदायिक सेवा, ठीक है। आखिरी जो आ जाता है ये आ जाता है सामुदायिक सेवा, भाई इसको आप ये भी इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो यही था इंडियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। तो ये अर्थव्यवस्था समझ जाए, इसके अर्थव्यवस्था का क्षेत्र सेक्टर भी समझ जाए, प्राथमिक द्वितीय तृतीय। तो इसमें प्राथमिक में तो कृषि के कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां आती है, कृषि वानिकी मत्स्यन खनन मत्स्यन मतलब जो बहुत था लागू जिसमें कृषि और दूसरा वनिक तीसरा और ये दूसरा पार्ट इसमें मत्स्यन और ये फिर तीसरा खनन और उत्खनन फिर द्वितीय में यहाँ पर क्या है निर्माण विनिर्माण और विद्युत गैस और जलापूर्ति। अब ये तृतीय में इसमें क्या हुआ था परिवहन एवं संचार बैंकिंग एवं बीमा और व्यापार एवं भंडार सामुदायिक सेवा। तो ये आपके इंडियन इकोनॉमी कहलाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।